आज हम जो लेदर स्कर्ट का पैटर्न बने थे पिछले बार वीडियो में, उसका आज हम कटिंग देखते हैं, किस तरह से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डार्ट था ये हमको क्लोज करना है। यहाँ भी थोड़ा सा डार्ट है, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ भी जो डार्ट है इसको क्लोज करके आपको स्टेपलर कर दो या पिन कर दो, स्टेपलर या तो फेविकोल से इसको चिपका देंगे, ठीक है। इसको बंद करके हमें मार्क करना है। तो फर्स्ट पैनल एक नंबर वन पैनल था, एक नंबर, तो इसको हमें इस तरह से रख करके ये चारों तरफ मार्क करना है, और साइड में हर जगह इसको आधा आधा इंच सिमिलेंस देना है। यहाँ भी आपको नीचे भी सिमिलेंस देना है, जो कि हमने बराबर पैटर्न था कट किया था, तो इसको जोड़ने के लिए हाफ इंच हमें सिमिलेंस चाहिए। वेस्ट पर भी हमें हाफ इंच सिमिलेंस चाहिए, साइड में भी आप वन इंच भी रख सकते हैं, हाफ इंच भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट पैनल हो गया, सेकेंड पैनल को सेम ऐसे ही रख करके इसको कॉपी कर लेना है। थर्ड पैनल को भी ऐसे ही रख करके कॉपी कर लेंगे, और ये फोर्थ पैनल है ये भी सेम टू सेम इसको इस तरह से, हमने पिछले वीडियो में इसको कट करके जो बढ़ा करके दिखाया था, ये बॉक्स प्लेट के लिए ऐड हो गया है। तो इसको ओपन करके इस तरह से इसको कटिंग करना है। अगर हमें बैक और फ्रंट दोनों सेम रखना है तो हमें दोनों सारे पैनल को कट टू टू करना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्क करके आपको दो दो पैनल कट करना पड़ेगा। ये है सिक्स नंबर, जो हमारा जो साइड पैनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आया था, तो ये हमारा सिक्स पैनल साइड सिम के अकॉर्डिंग सब में ऑलरेडी हर जगह सिम अलाउंस हमें ऐड करना है। अब हम इसको हटा लेते हैं, हम इसको कटिंग करते हैं। जो जो भी डार्ट है आपको क्लोज करना है। ये वेस्ट के लिए डार्ट हमने क्लोज कर दिया, अब इसमें डार्ट डालने की जरूरत नहीं। अब हम इसको सिर्फ ऐसे ही रख करके ट्रेस करके कट टू बैक और फोर पैनल हमें इसमें कट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं, सारे ये मार्क हमने कर लिया, अब इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। आप सिमिलर देकर आपको कटिंग करना है। अगर आपको प्लेन बैक प्लेन रखना है तो फिर इसमें कट वन करेंगे, अगर टू रखना है सेम टू सेम रखना है तो दो दो पैनल हमें कट करना पड़ेगा। इस तरह से कटिंग करेंगे, ये पानी निकल गया। आपको हाफ इंच से ज्यादा सिमिलेंस नहीं देना, जहां ज्यादा हो उसको कट करके निकाल दें। फैब्रिक हमेशा उल्टा मार्क किया जाता है, लेकिन हमने इस पर सीधा मार्क किया। मार्क इसलिए सीधा किया कि जो डिज़ाइन है हमारा सीधा की तरफ आया। अगर हम उल्टा इसको मार्क करते तो हमें पैटर्न भी उल्टे रख करके हमें मार्क करना पड़ता है, जिससे डिज़ाइन जो है जिस साइड में लेफ्ट साइड में आ रहा है तो लेफ्ट साइड में आए। गलती से क्या होता है कि पैटर्न सीधा रखते हैं और फैब्रिक उल्टा रखते हैं तो डिज़ाइन उल्टा हो जाता है, लेफ्ट साइड जगह राइट साइड आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है। तो डिज़ाइन वाला मार्क सीधा में भी कर सकते हैं। ये हमारा कटिंग हो चुका है, ये आप नोचेस निशान लगा सकते हैं। इसको प्रेस से भी बैठा कर मैं दिखा देता हूँ इस तरह से इसका आएगा। तो ये फ्रंट पैनल का मैंने सारा काट लिया, अब हम इसको प्रेस से इसको बैठा लेते हैं किस तरह से आएगा। इसको पैटर्न को यहाँ पे नीचे की साइड में भी हमें निशान लगाना पड़ेगा। ये लास्ट वाले जो नोचेज है उसको पहले प्रेस से हम बैठा लेंगे।
फिर इस बॉक्स का ये लास्ट वाला जो नोसेस है उसको बैठा। हम दोनों को इसको मूव में और इसको मूव में इस तरह से हम पर इसको और यहाँ पर स्टिच रहेगा, ये तो जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन रहेगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम इसको भी कर लेते हैं। लास्ट वाले को बॉक्स प्लेट को प्रेस बैठाना है, लास्ट वाले को इधर और उधर दोनों साइड। पहले फ्रंट पैनल अटैच करके आपको दिखाते हैं किस तरह से अटैच होता है। इसमें हमने बैक और फ्रंट सेम रखा है, तो हम दो दो पैनल सारे कट करेंगे तो बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो जाएगी। तो सेम टू सेम ऐसे ही काटना है। अब बेल्ट के लिए देख लेते हैं, बेल्ट के लिए कैसे करते हैं। बेल्ट के लिए इसका कट फोर पैनल करना, अगर ओपन करके काटना है या फोर करके काटना है। इसमें चार पैनल कटेंगे, मान लेते चलो हम ओपन करके मार्क कर लेते हैं। इसमें भी आपको चारों तरफ सीम अलाउंस देना है और इसका चार पैनल कटेगा, दो फ्रंट में और दो बैक में। अगर आपको सेंटर में चैन देना है, मान लें कि बैक सेंटर में चैन देना है, हमें कहीं ना कहीं तो चैन देना ही पड़ेगा। अगर बैक सेंटर में चैन देना है तो यहाँ पर हमें कट देना पड़ेगा और इसके सेंटर में भी हमें कट देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम साइड में चैन देते हैं, सेंटर में कट करने की जरूरत नहीं, साइड में चैन देते हैं और इसका चार पैनल आपको कट करना है। इस तरह से मार्क करके चार पैनल कट करना है, दो फ्रंट दो बैक के लिए। स्टिचिंग के हम डाल दें, इस तरह से स्टिचिंग करते हैं उसको देखिए।